हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज HP। टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट टॉपिक टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, मीन्स एजेंसी की समाप्ति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक नियोक्ता और एजेंट के मध्य संबंध को एजेंसी कहते हैं। एजेंसी का निर्माण जिस प्रकार अनुबंध के द्वारा होता है, अनुबंध के द्वारा एजेंसी का निर्माण होने के पश्चात एक एजेंट अपने प्रधान के द्वारा किए जाने वाले कार्य को तृतीय पक्षकार के प्रति करता है और एजेंट के कार्यों से उसका प्रधान उत्तरदायी होता है। तो आज हम टॉपिक डिस्कस जो करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा एजेंसी की समाप्ति। किस प्रकार एक एजेंट और नियोक्ता के बीच एजेंसी को संबंध को समाप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हम देखें तो एजेंसी की समाप्ति मुख्य रूप से दो प्रकार से की जा सकती है। इसमें पहला प्रकार है पक्षकारों के कार्यों द्वारा समाप्ति, एंड सेकंड है राजनियम मीन्स कानून के लागू होने से समाप्ति। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार पक्षकार के कार्यों द्वारा समाप्ति होगी और किस प्रकार का राजनियम या कानून के लागू होने से एजेंसी को समाप्त माना जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाय द एक्ट्स ऑफ द पार्टीज, यानी पक्षकारों के कार्यों द्वारा एजेंसी के अनुबंध की समाप्ति किस प्रकार होगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्रधान द्वारा एजेंट के अधिकार का खंडन करने पर, सामान्यतः अगर हम देखें तो प्रधान अपने एजेंट को उसके अधिकारों के खंडन करने की सूचना देकर किसी भी समय एजेंसी को समाप्त कर सकता है। या हम कहें प्रधान अब चाहता है कि वह व्यक्ति उसके एजेंट की बात कार्य ना करे, तो वह इसकी सूचना एजेंट को देकर किसी भी समय उसके अधिकारों का खंडन कर सकता है और उसे उसके दोनों के मध्य संबंध उस एजेंसी को समाप्त कर सकता है। तो इस तरह से प्रधान द्वारा एजेंट के अधिकारों का खंडन करने से भी एजेंसी को समाप्त माना जाएगा। सेकंड है हमारा एजेंट द्वारा खंडन, जिस प्रकार बच्चों प्रधान द्वारा एजेंट के अधिकारों का खंडन किया जा सकता है, उसी तरह एजेंट स्वयं प्रधान को सूचना देकर किसी भी समय एजेंसी का खंडन कर सकता है। या हम कहें यदि कोई एजेंट एजेंसी के अनुबंध में एजेंट के रूप में कार्य नहीं करना चाहता, तो वह इसकी सूचना अपने प्रधान को एक उचित समय पर दे सकता है और उचित कारणों के आधार पर अगर वह चाहता है कि वो एजेंसी को समाप्त करना चाहता है, तो वह इसका खंडन द्वारा उसको समाप्त कर सकता है। यदि वह उचित कारणों के आधार पर एजेंसी को समाप्त नहीं करता बल्कि स्वेच्छा से समाप्त कर लेता है, यानी एजेंट स्वेच्छा से समाप्त कर रहा है, तो एजेंट प्रधान को उचित क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होता है। कहने का आशय है ये कि यदि कोई भी एजेंट द्वारा खंडन किया जाता है, तो उसे पहले से बताना होगा कि किस कारण से वो एजेंसी का खंडन कर रहा है। यदि एजेंट एजेंसी को समाप्त करना चाहता है, तो उसे अपने प्रधान को नोटिस देकर सूचित करना चाहिए। नोटिस की अवधि कितने समय की होगी, ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उचित नोटिस के अभाव में एजेंट द्वारा एजेंसी को समाप्त करने की स्थिति में एक प्रधान द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकती है। कहने का आशय यही है बच्चों कि एजेंट जब भी अपनी एजेंसी के संबंध को समाप्त करना चाहता है, तो उसे पर्याप्त समय पर पर्याप्त कारणों उचित कारणों के द्वारा की एजेंट द्वारा खंडन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपसी ठहराव का आशय है बच्चों, जब प्रधान और एजेंट आपस में मिलकर ये ठहराव करते हैं कि अब एजेंसी को समाप्त कर दिया जाए, तो इस ठहराव के लागू होने से एजेंसी को समाप्त माना जाएगा। तो इस तरह से बच्चों अगर हम देखें तो एजेंसी के खंडन में जो फर्स्ट मैटर हमारा बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टीज, यानी पक्षकारों के कार्यों द्वारा समाप्ति, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हमने देखा कि तीनों तरह प्रकार, यानी प्रधान द्वारा एजेंट के अधिकारों का खंडन करने पर, सेकंड एजेंट द्वारा खंडन करने पर, और थर्ड आपसी ठहराव द्वारा भी एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है। तो ये तीन प्रकार जिसके माध्यम से पक्षकार के कार्य द्वारा समाप्ति हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार कानून या राजनियम के लागू होने से एजेंसी के अनुबंध की समाप्ति होगी। तो नेक्स्ट है हमारा राजनियम लागू होने से समाप्ति बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बच्चों कभी कभी स्थिति इस तरह की होती है कि किसी विशेष परिस्थिति में कानून के लागू होने से भी एजेंसी को समाप्त हुआ माना जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जबकि राजनियम के लागू होने से एजेंसी के अनुबंध को समाप्त माना जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें
अनुबंध के निष्पादन द्वारा समाप्ति, यानी जब एजेंट तथा प्रधान के बीच निश्चित किया गया एजेंसी का जो उद्देश्य कार्य पूरा हो जाता है तो एजेंसी स्वतः ही समाप्त हो जाती है, यानी जब एजेंट तथा प्रधान दोनों ने ही अपने अपने कार्य का निष्पादन पूर्ण कर लिया है तो एजेंसी समाप्त मानी जाएगी, यानी किसी के भी कार्य पूरा न करने का शेष नहीं रह गया है तो ऐसी स्थिति में एजेंसी का कार्य पूर्ण होते ही एजेंसी स्वतः ही समाप्त ऑटोमेटिकली समाप्त मानी जाएगी। सेकेंड, अवधि बीत जाने पर। अवधि बीत जाने का मतलब बच्चों यदि एजेंसी एक निश्चित अवधि के लिए स्थापित की गई तय की गई थी और जैसे ही वह निश्चित अवधि पूरी हो जाती है या समाप्त हो जाती है तो एजेंसी स्वतः ही समाप्त हुई मानी जाएगी। यदि अवधि समाप्त होने पर कार्य अधूरा रहता है तो भी प्रधान एजेंट को उस कार्य को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। क्यों? इसका कारण है बच्चों, क्योंकि एजेंसी का जो अनुबंध किया हुआ निश्चित समय अवधि के लिए था, जैसे ही समय अवधि पूरी होगी एजेंसी समाप्त मान ली जाएगी। नेक्स्ट है किसी एक पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर। जैसा कि एजेंसी का जन्म प्रधान और ये एजेंट के बीच अनुबंध द्वारा होता है तो इसमें दो पक्षकार होते हैं। यदि एजेंसी के अनुबंध में किसी भी पक्षकार की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में एजेंट एजेंसी को समाप्त को माना जाएगा। इसी प्रकार किसी एक पक्षकार के पागल होने की स्थिति में भी यही स्थिति लागू होगी, क्योंकि अब एजेंसी का एक पक्षकार ही अनुबंध करने की योग्य नहीं रह गया है तो ऐसी स्थिति में पागल होने की स्थिति में एजेंसी को खंडित मान लिया जाएगा या हम कहें एजेंसी को समाप्त मान लिया जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें प्रधान के दिवालिया होने पर, यानी यदि जो नियुक्त है उसका जो एजेंसी में जिसके लिए एजेंट कार्य करता है यदि वो दिवालिया हो जाता है तो वह अनुबंध के योग्य माना जाएगा, क्योंकि दिवालिया व्यक्ति में अनुबंध की योग्य क्षमता नहीं पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में एजेंट के साथ वह अनुबंध जारी नहीं रख सकता और वह एजेंसी समाप्त मान ली जाएगी। इसी तरह एजेंसी के मूल तत्व नष्ट होने पर समाप्त। देखिए बच्चों, यदि एजेंसी का मूल तत्व नहीं नष्ट हो जाता है तो एजेंसी अनुबंध भी समाप्त माना जाएगा। जैसे मान लीजिए राम ने श्याम को अपना घोड़ा बेचने के लिए एजेंट नियुक्त किया, लेकिन सपोज करिए घोड़ा बेचे जाने से पहले ही जो एजेंसी का मूल तत्व है घोड़ा जो है मर जाता है तो यह राम और श्याम के बीच एजेंसी का अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिस विषय वस्तु को के लिए उसे एजेंट नियुक्त किया था जिस कार्य के लिए वह विषय वस्तु ही जीवित नहीं है, ऐसी स्थिति में उनके बीच में स्वतः ही एजेंसी का अनुबंध समाप्त मान लिया जाएगा। इसी तरह एजेंसी का कार्य अवैधानिक होने पर। देखिए बच्चों, यदि सरकार द्वारा कोई ऐसा कानून लागू किया जाता है या परिवर्तन किया जाता है जिससे कि एजेंसी का कार्य अवैध या हम कहें इलीगल हो जाता है तो एजेंसी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एक एजेंसी का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए। अवैधानिक उद्देश्य के लिए अगर एजेंसी का कार्य एजेंट कोई कार्य करेगा तो उसके बीच में एजेंसी के संबंध राजनीतिक अनुकूल नहीं माने जाते हैं, ऐसी स्थिति में एजेंसी का कार्य अवैधानिक होने पर एजेंसी का स्वतः ही संबंध समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार हम देखें संस्था के समापन पर, यदि कोई एजेंसी की संस्था के साथ है और संस्था के समापन से एजेंसी समाप्त ही मान ली जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि एजेंट और प्रधान के बीच जो संबंध होते हैं इनको हम एजेंसी कहते हैं और इसमें मुख्य रूप से जो विधि हमने देखी पक्षकार के कार्य द्वारा समाप्ति तथा राजनीति के लागू होने से समाप्ति के द्वारा विभिन्न प्रकार से एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है। तो एजेंसी को समाप्त हो जाने के बाद नियुक्ता और सॉरी प्रधान और एजेंट जो व्यक्ति उसका बना हुआ था दोनों अपने कार्य से मुक्त हो जाते हैं, दोनों का दूसरे व्यक्ति किसी भी प्रकार का दायित्व शेष नहीं रहता है। तो इस प्रकार बच्चों एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है। कोई भी एजेंट एजेंसी के अनुबंध को समाप्त कर कर अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। एजेंसी के प्रावधानों के बारे में अगर हम आगे देखना चाहें तो हमारी जो बुक है उसमें बड़े विस्तार से बच्चों दिया गया है, आप बुक्स के माध्यम से पढ़ें समझें और हर तरह से कोशिश करें कि हम अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाए। बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।